दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इब्राहिम बास के पास सड़क दुर्घटना में दो नौजवान लड़कों की दर्दनाक मौत होने का समाचार मिला है। सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करने कांग्रेसी विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर माड़ीकेड़ा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों को जल्द पोस्टमार्टम कराने व अन्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में दो नौजवान लड़कों की मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनकर विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर माड़ीकेड़ा अस्पताल पहुंचे और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के डॉक्टरों को निर्देश दिए व अन्य कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस टीम को निर्देश दिए गए। विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर ने मृतकों के परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में साथ रहने की बात कही है। विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि मेवात जिले में बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए नौजवान पढ़े लिखे युवा ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं, जिसमें आए दिन नौजवान लड़कों की मौत हो रही है। सोमवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पर आयसर गाड़ी पुल से टकरा गई और हाईवे से नीचे गिर गई, जिसमें नावली गाँव के इमरान उम्र 34 वर्ष व नासिर उम्र 24 वर्षीय दोनों लड़कों की मौत से मेवात जिला गम के माहौल में है। विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि जो भी मुझसे होगा मैं मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता करूंगा, हर परेशानियों में उनका हमेशा साथ रहूंगा। आप देख रहे नुहमिवास से लियाकत अली कपूर। ये सबसे पहले तो भाई बहुत बड़ी दुख की खबर है पूरे मेवात के लिए कि नौजवान साथी जो एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्मेशी फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अदा फरमाए, और जो किस्मत में लिखा है जब मौत आनी होते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। मगर एक अफसोस ये कि हमारा मेवात बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ रोजगार ना होने की वजह से हमारे बच्चों जो ड्राइवर लाइन में जाते हैं और ये हादसे होते रहते हैं। ऐसे काफी परिवार और बच्चे हैं जो नौजवान साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बाकी इंशाल्लाह वक्त आएगा सब ठीक होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे गांव के लिए और मेवात के लिए दुख की घड़ी है कि हमारे जो नौजवान साथी आज सुबह सुबह इंतकाल करें। सर, सुना है सुबह जैसे आपको दुर्घटना की सूचना मिली अभी तक आप थोड़ी लंबी है और यहाँ सब सहयोग कर रहे हैं और हम इन दोनों परिवार वालों का पूरा गाँव और पूरा मेवा साथ है।